बेगूसराय में महादलित युवक की हत्या के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा है। इस दौरान भगवानपुर थाना और पीएचसी में तोड़फोड़ करते हुए रोड़ेबाजी की गई। भारी बवाल के बाद एसपी योगेंद्र कुमार खुद दल बल के साथ भगवानपुर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। यहाँ पे हम लोग को सूचना मिली थी कि भगवानपुर थाना के ब्लॉक में कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो कुछ लोगों ने अंदर आके गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। तो उसी की जांच पड़ताल करने के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और यहाँ पे फोर्स भी है, एसटीपीओ और एसएचओ भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो जांच में ये पाया गया है कि दो दिन पहले एक मर्डर केस हुआ था जिसमें एफआईआर दर्ज हो गई है और जिस व्यक्ति ने मर्डर किया उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है, उसके लिए छापेमारी भी चल रही है। इन लोगों को मुआवजा प्रस्ताव भी इनका आया है, तो मुआवजा भी देने की ही प्रक्रिया में है। आज सुबह ये लोग ब्लॉक ऑफिस में बैठे हुए थे, कुछ महिलाएं भी थी, उसमें बच्चे भी थे, और इसमें ऐसा पाया गया कि कुछ लोगों ने उनको उकसाया, उसके बाद उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर है उन पे ईंटा चला के हमला कर दिया और उसके बाद भीड़ का एक हिस्सा यहाँ गेट पे आ गया और उन्होंने यहाँ पे जो कुछ गाड़ियाँ उनमें तोड़फोड़ की। उसके बाद तुरंत यहाँ पे जो हमारी रिजर्व फोर्स थी वो पहुँच गई और स्थिति को काबू में किया। और वीडियो फुटेज जो यहाँ पे हम लोग को मिला है उसमें दो तीन लड़के क्लियर कट आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो उन पे कानूनी कार्रवाई करने के लिए आदेश दे दिया गया है। और यहाँ पे रिजर्व फोर्स भी है, जो कि अभी यहाँ पे स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल है, सामान्य है, और इसमें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एसएचओ को आदेश दे दिए गए हैं। आरोप है कि रात में भी सड़क जाम किया गया था, दिन में भी किया गया था। बड़ी अधिकारी बुलाने की मांग की और पुलिस के द्वारा लापरवाही बरती गई, सिर्फ इंस्पेक्टर आके समझाए बुझाए, इसी के कारण आक्रोश बढ़ा है। देखिए ऐसी बात नहीं है, कल जब इन्होंने रोड जाम किया था तो पुलिस के वरीय अधिकारी यहाँ पे आए थे और प्रशासन के भी लोग थे, उनको समझाया गया था, वो मान भी गए थे, उनको मुआवजा देने का भी जो प्रक्रिया है वो भी किया जा रहा था। और आज भी जब वो लोग बैठे हुए थे तो सेम बातों के लिए ही बैठे हुए थे। इसमें और भी ज़्यादा मुआवजा देने का प्रावधान है, चूँकि एस सी एस टी एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है, तो उसके लिए प्रक्रिया की जा रही थी। लेकिन जो हम लोग को पता चला है वहाँ पे कैमरा देखने से ब्लॉक के ऑफिस के पास में, कि कुछ बाहर के लोग असामाजिक तत्व भीड़ में शामिल थे और उन्होंने मौके का फ़ायदा उठा के भीड़ को बरगलाया है और उसी में कुछ महिलाओं ने आके यहाँ पत्थर चला दिया है। लेकिन तुरंत पुलिस पहुँच गई थी, स्थिति काबू में है, सामान्य है, और जिन लोगों ने बदमाशी की है, जिन लोगों ने उपद्रव फैलाने की कोशिश की है, सभी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और सभी पर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दे दिया गया है। कारण क्या सामने आया अभी तक? कारण देखिए, ये तो जिन्होंने उकसाया है उनसे पूछताछ करके ही पता चलेगा और जो लोग वीडियो में देख रहे हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। गोली मारने का कारण क्या है? देखिए, जो दो दिन पहले हत्या हुई थी उसमें एफआईआर दर्ज हो गई है। उसमें मेन बात ये थी कि और जो इसमें मृतक था वो लोग बैठ के आग ताप रहे थे और जो अभियुक्त है वो बगल से गुजर रहा था, किसी बात को लेके दोनों में कहासुनी हुई, बहस हुई और उसी में प्रतिशोध में आकर के उसके हाथ में पिस्टल था, उसने ये गोली मार दी। तो ये एक प्रकार का आपसी रंजिश आप इसको कह सकते हैं, इसमें और कोई दूसरा मोटिव नहीं सामने आया है। तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, एसटीपीओ टेंगड़ा के नेतृत्व में विशेष टीम बनी हुई है, उस व्यक्ति की भी पहचान कर ली गई है जिसने गोली मारी थी और बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई उस व्यक्ति पे की जाएगी। बता दें कि 9 फरवरी की रात भगवानपुर थाना क्षेत्र के धैया गांव के मुसहरी टोला में गांव के दबंग अक्षय कुमार ने आग ताप रहे महादलित टोले के दामाद के साथ मामूली विवाद के बाद मारपीट कर ली थी। इसका विरोध करने पर उसके रिश्तेदार को गोली मार दी गई थी, जिसकी इलाज के दौरान शुक्रवार को पटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद मुआवजा और अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होने पर आक्रोशित लोगों ने भगवानपुर थाना और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हमला कर दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।